उल्हासनगर येथील मोठी धक्कादायक बातमी आहे. उल्हासनगर महापालिकेमध्ये पुन्हा एकदा फाईल चोरीची घटना घडली आहे. अशीच घटना काही दिवसांपूर्वी घडली होती आणि पुन्हा एकदा बांधकाम विभागाच्या 3 फाईली गायब झाल्या आहेत. त्यामुळे आता एकच खळबळ माजलीत, फाईली घेतल्या कोणी? या संदर्भात माजी नगरसेवकांचे काय आरोप आहेत बघूया आपण. विडंबना है, कल तक जो ये महापौर थी, इनकी पत्नी, और कल तक ये उप महापौर थे जीवन इदनानी साहब, आज एक सिपाही का काम कर रहे थे. यहाँ आए, उन्होंने एक क्लर्क्स को अपनी धौंस दिखाते हुए 3 फाइल ले गए. मुझे जैसे ही जानकारी मिली तो मुझे अपनी दिनों की बात याद आ गई कि किस तरह से मेरे ऊपर इस बंदे ने कार्रवाई की थी. तो मौका तो सबको मिलता है, उसी मौके के अनुसार हम गए आयुक्त के पास. आयुक्त को कहा कि एक के साथ एक न्याय क्यों, दूसरे के साथ दूसरा न्याय क्यों. तो मैंने कहा कि आपका निर्णय बड़ा सॉफ्ट है और आप सौम्य निर्णय ले रहे हैं, तुरंत FIR करनी चाहिए. लेकिन कमिश्नर ने कहा मैं उस क्लार्क के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा और जीवन इदनानी महोदय के ऊपर भी नोटिस निकालूंगा, और उसमें यह जरूर लिखूंगा कि आप यह फाइल क्यों ले गए, और आप फाइल ले गए तो उसका कारण बताइए आप क्यों ले गए. ठीक है, ये तो अधिकारी है, उसके ऊपर निर्भर करता है. हमारे टाइम में जरा कड़क अधिकारी था, उसने हमारे ऊपर कड़क कार्रवाई की, ये जरा सॉफ्ट कार्रवाई कर रहे हैं. लेकिन हमने आयुक्त से कहा है कि CCTV फुटेज को संभाल कर रखना चाहिए और हमें उसकी CCTV फुटेज मिलनी चाहिए, क्योंकि कोई कितना भी बड़ा क्यों ना हो, फिर वो महापौर हो या उप महापौर हो, अगर यह काम करेगा तो उसको दंडित होना चाहिए. और मैंने हमेशा देखा है कि इनकी यह प्रैक्टिस रही है, सालों से यही काम करते आ रहे हैं. अगर खुदा न खास्ता इनके ऑफिस में रेड पड़ जाए तो कम से कम हज़ारों म्यूनसिपालिटी के फाइल मिलेंगे, लेकिन मेरे इस भाषण के बाद वह साफ सफाई करके जल्दी कचरा बाहर फेंक देंगे. ऐसी मैं उनको एक ताकीद देता हूं कि आप जल्दी संभल जाइए और शहर को लूटने का काम बंद करिए. उस वक्त श्रीमान खुद यहां पर उपमहापौर थे और उन्होंने अपनी ताकत का इस्तेमाल किया और मेरे जैसे एक गरीब सहमे हुए बंदे के ऊपर उन्होंने कार्रवाई की. मौका उनको मिल गया, उन्होंने मौका मार लिया. अब हम प्रयास कर रहे हैं, लड़ाई लड़ेंगे. ऐसा था कि हमारे पैनल 17 नंबर के 2 प्रवेश द्वार के फाइल थे, जो आज PW डिपार्टमेंट से जीवन इंदानी उप महापौर वो उठा के चले गए थे. तो हमें जैसे ही मालूम पड़ा तो हमने आके डिपार्टमेंट से पूछा कि भाई उनको किस हिसाब से आप लोगों ने ये फाइल दी है. तो उन्होंने बोला वो दम दाटी दे के हमसे फाइल लेके गया है. तो फिर हमने सिटी इंजीनियर साहब से बात की कि भाई ये ऐसा ऐसा क्या हो रहा है. तो बाद में उन्होंने उनको फ़ोन करके बोला कि मेरे को आधे घंटे के अंदर फाइल चाहिए, नहीं तो हम लोग कानूनी कार्रवाई करेंगे. तो फिर उन्होंने आधे घंटे में वो फाइल रिटर्न भेजी है PW डिपार्टमेंट को. टोटल कितने फाइल थी और ये कितने की थी? ऐसे 2 फाइल थे, 10-10 लाख रुपये का निधि से अभी मान्यता के हिसाब से डिपार्टमेंट में दी हुई थी. या संदर्भात अजित शेख आयुक्त महानगरपालिका उल्हासनगर यांनी न्याय दरबारची प्रतिक्रिया दिली देताना या संदर्भात काय आदेश दिलेत बघूया. एक फाईल जी आहे PWT डिपार्टमेंटमधील, ती आमच्या कर्मचाऱ्यामार्फत एका माजी सन्माननीय सदस्यांना देण्यात आलेली आहे आणि ती त्यांनी त्यांच्या पर्सनल किंवा त्यांच्या प्रायव्हेट ऑफिसमध्ये वगैरे घेऊन गेलेले होते, अशा प्रकारची तक्रार प्राप्त झालेली आहे. त्यानुसार मी आमचे जे संबंधित अधिकारी आहे त्यांना ह्या गोष्टीचं पूर्ण चौकशी करण्याची आणि संबंधितांना नोटिसेस काढण्याचे मी सूचना दिलेल्या आहेत. त्यांचे खुलासे मागविलेले आहेत, तशा प्रकारचे नोटिसेससुद्धा आम्ही संबंधितांना दिलेले आहेत आणि हा संपूर्ण खुलासा प्राप्त झाल्यानंतरच याबाबत योग्य ते कॉमेंट करणं शक्य होईल. निश्चितपणे त्यांचे खुलासे प्राप्त झाल्यानंतर त्यामध्ये जे दोषी असतील त्यांच्यावरती निश्चितपणे कारवाई केली जाईल. CCTV तशा प्रकारची म्हणजे ती फाईल घेऊन जाण्याबाबतचं घटना रेकॉर्ड झालेली आहे आणि ते संबंधित संपूर्ण जी घटना आहे ती त्याचं स्टडी करून त्याचं ॲनालिसिस करून माझ्याकडं
अहवाल सबमिट करावा अशा प्रकारचे मी सिस्टम ॲनालिस्ट आणि आमच्या संबंधित अधिकाऱ्यांना सूचना दिलेल्या आहेत।